हाय गाइस, मेरा नाम है दीप्तनु। आप सभी देख रहे हो मेरी चैनल दीप्तनु शील को। तो अभी जो आपके सामने पेज है, ये पेज का हेल्थ चेकअप करने वाला हूं। इस पेज का जो ओनर है, इनका कहना है कि इन स्ट्रीम एड्स से मोनेटाइज करने का हर एक क्राइटेरिया इस पेज ने फुलफिल कर चुका है, फिर भी गेट नाउ का जो ऑप्शन है, गेट स्टार्टेड का जो ऑप्शन है, वो नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? इसी के वजह से मुझे दिया गया है इस पेज का हेल्थ चेकअप करने के लिए। तो आज मैं इस पेज का पूरा हेल्थ चेकअप करने वाला हूं, और क्या इस पेज का सोल्यूशन हो सकता है या क्या इश्यू है उसको ढूंढने की पूरा कोशिश मेरा जारी रहेगा इस हेल्थ चेकअप के दौरान। तो ये बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल होने वाला है, कहीं से स्किप मत करना, पूरा वीडियो देख के जाना, तो ही आपको पूरा नॉलेज मिलेगा। तो बिना किए आपको बोर, चलिए आज का हेल्थ चेकअप स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा इस पेज का फॉलो कितना है। जैसे कि इस पेज के ऑनर ने बताया था, इनस्ट्रीम मोनेटाइजेशन होने के लिए सारे क्राइटेरिया गाइडलाइंस फुलफिल कर चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फॉलोअर भी फुलफिल है, 10K फॉलोअर बन चुका है, और उसी के साथ वीकली रीच जो है वो भी 1,00,000 से ज्यादा है। यहाँ पे आप देख सकते हो 1,00,000 से ज्यादा वीकली रीच हो रहा है इस पेज का, और वीडियो व्यू भी अच्छा खासा चल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो 48,000 से भी ज्यादा वीडियो व्यू हो रहा है। तो फिर इशू क्या है, क्यों इनस्ट्रीम एड मोनेटाइज नहीं हो रहा है, क्यों गेट स्टार्टेड का ऑप्शन नहीं आ रहा है? तो इसीलिए मैं चला आया क्रिएटर स्टूडियो पे, अब चेक करूंगा मोनेटाइजेशन पे। तो यहाँ पे जैसे कि बताया है कोई वायोलेशन नहीं है पेज का, तो आप देख सकते हो नो वायोलेशन। और उसी के साथ एक खुशखबरी भी है कि ब्रांड कोलाब मोनेटाइजेशन टूल से ये पेज ऑलरेडी मोनेटाइज हो चुका है, जिसके वजह से यहाँ पे मेट्रिक्स वाला ऑप्शन आ रहा है, लैंड मोड नहीं आ रहा है। मगर क्वेश्चन ये नहीं, क्वेश्चन है कि इस पेज का जो इनस्ट्रीम एड मोनेटाइजेशन टूल है, यहाँ पे अभी भी लर्न मोर ही आ रहा है, गेट स्टार्टेड का ऑप्शन नहीं आ रहा है। इस पेज का इनस्ट्रीम मोनेटाइजेशन ऑन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये क्यों नहीं हो रहा है, तो ये मुझे जानना है। तो ये जानने से पहले 10,000 फॉलो वाला क्राइटेरिया तो फुलफिल कर चुका है, मगर 30,000 वन मिनट व्यू वाला जो क्राइटेरिया होता है वो इस पेज ने फुलफिल किया कि नहीं किया, ये हमको चेक करना है। और बहुत सारे जनों का ये क्वेश्चन आता है कि सर हमको कैसे पता चलेगा हमारे पेज पे लास्ट 60 डेज में 30 मिनट्स वन मिनट वीडियो व्यू हुआ है कि नहीं हुआ है, ये कैसे चेक करते हैं? तो अभी मैं लाइव चेक करूंगा, आप लोग सीख लो। तो सबसे पहले मुझे इसके लिए जाना है इनसाइड वाला ऑप्शन पे। तो इनसाइड वाला ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको जो करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट 7 डेज का डाटा शो हो रहा है, मगर हमें चेक करना है लास्ट 60 डेज का। आज है 29 फरवरी, तो 2 महीने का डाटा हमको चेक करना है। तो हम चेक करेंगे कस्टम पे जाके। तो कस्टम मैंने क्लिक किया, जैसे ही कस्टम में क्लिक करोगे तो आपके जो लास्ट 60 डेज है उसको आपको चेक करना है। तो मैं करूंगा जनवरी से, तो जनवरी 1 को मैंने क्लिक किया, उसके बाद फेब्रुआरी 29 तक, तो लास्ट आज 29 तारीख ही है, तो ये 2 महीने का डाटा हो गया। अब अपडेट मारूंगा, तो अपडेट में मैंने क्लिक किया, तो अब जो डाटा यहाँ पे शो होगा ये है हमारा 2 महीने का डाटा। तो यहां से आपको पता चलेगा कि आपके पेज के जो वीडियो का 1 मिनट व्यू 30,000 मिनट व्यू होना चाहिए वो वॉच आवर कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ है। तो ये देख सकते हो आपके सामने लास्ट 2 महीने में 1 मिनट वीडियो व्यू कितना हुआ है, 34.1K। इसका मतलब होता है 30,000 से भी ज्यादा, हमको चाहिए था 30,000 से भी ज्यादा है। तो यहाँ पे ये वाला जो इन्होंने सही बताया है कि लास्ट 60 डेज में जो 1 मिनट वीडियो व्यू होना चाहिए 30,000 से ज्यादा, वो भी कंप्लीट कर चुका है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो से आपको पता चल गया है कैसे इसको चेक करना होता है। अब यहाँ पे ही हेल्थ चेकअप बंद नहीं होगा, हमने यहाँ पे तो देख लिया कि 30,000 वॉच मिनट जो 1 मिनट का होना चाहिए वो हो चुका है, मगर कंटेंट कैसा है वो हमको देखना है। कंटेंट पे कोई इश्यू है कि नहीं है वो हमको देखना है, उसी के बाद हमको पता चल। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को पता तो चल ही चुका है कि इस पेज ने अभी तक 1 मिनट वीडियो व्यू कंप्लीट कर चुका है, मगर मुझे ये पता नहीं कि ये जो 30,000 व्यू है वो सिर्फ यहाँ पे जो फेसबुक पेज पे वीडियो डाला है उसी से कंप्लीट किया है कि नहीं किया है, तो वो भी हमको चेक करना है आगे जाके। तो अब फिर से मैं रिटर्न कर जाऊंगा मोनेटाइजेशन वाला ऑप्शन पे। तो मैंने मोनेटाइजेशन पे क्लिक किया, अब मुझे पॉलिसी इशू को भी एक बार चेक कर लेना है। तो पॉलिसी में क्लिक किया,
तो यहाँ पे आप देख सकते हो नो मोनेटाइजेशन वायोलेशन लिखा हुआ आ रहा है, मतलब इस पेज ने अभी तक मोनेटाइजेशन के हवाले से कोई गलती नहीं किया है। तो मोनेटाइजेशन पे भी कोई वायोलेशन नहीं है, जो कि एक अच्छा खासा बात है इस पेज के लिए। तो ये भी मैंने चेक कर लिया है, और उसी के साथ एक बार पेज पे जाके मैं चेक कर लूंगा इस पेज का क्वालिटी कैसा है। तो मोर पे आके पेज क्वालिटी पे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे भी देख सकते हो पेज क्वालिटी पे भी कोई इशू नहीं है। तो फिर आप क्वेश्चन अराइज होता है, कुछ भी इशू नहीं है और गाइडलाइंस भी पूरा पूरा मान के काम कर रहा है और क्राइटेरिया भी फुलफिल कर चुका है, फिर भी क्यों मोनेटाइज नहीं हो रहा है, क्यों इन स्ट्रीम पे गेट स्टार्टेड का ऑप्शन नहीं आ रहा है। इसको जानने के लिए हमारे कोई भी पेज होता है उसका सबसे बड़ा इशू जो होता है वो होता है कंटेंट लाइब्रेरी पे जाने के बाद ही हमको पता चलता है। कंटेंट पे कुछ ना कुछ मिस्टेक रहता ही है, तो कंटेंट में कोई मिस्टेक है कि नहीं है ये हम अब चेक करेंगे। तो मैं कंटेंट लाइब्रेरी पे आया देखने के लिए कंटेंट का हालत कैसा है। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले एक वीडियो देखने के लिए मिला, तो मैं वीडियो को ओपन करता हूं। तो दोस्तों ये जो वीडियो है, वीडियो को मैंने ओपन कर दिया है। तो वीडियो को ओपन करने के बाद मैंने देखा हाँ टाइटल है, फिर टाइटल के बाद डिस्क्रिप्शन भी है और टैग भी है और वीडियो भी है। तो दोस्तों ये जो वीडियो है प्ले तो मैं नहीं करूँगा क्योंकि कोई म्यूजिक इस पर प्ले हो रहा है और मैंने ऑलरेडी इस वीडियो को प्ले करके देखा है। तो यहाँ पे कंटेंट पे इशू थोड़ा बहुत तो है। आप कंटेंट पे इशू क्या है ये बता देता हूँ। डिस्क्रिप्शन जो है वो बराबर नहीं है, तो सिस्टम जब भी चेक करेगा तो इसको लगेगा कि ये जो डिस्क्रिप्शन है ये बराबर नहीं है। डिस्क्रिप्शन हमेशा 150 से 350 कैरेक्टर के अंदर लिखना चाहिए, एटलीस्ट ज़्यादा लिखोगे और अच्छा है। और डिस्क्रिप्शन पे पूरा डिस्क्राइब करना है वीडियो के अंदर क्या मिलेगा ऑडियंस को, तो डिस्क्रिप्शन बराबर नहीं है, ये स्टैंडर्ड नहीं है। और उसी के साथ ये जो म्यूजिक प्ले हुआ है इस पे, ये म्यूजिक ओनर के द्वारा क्रिएट किया गया खुद का कंपोजिशन नहीं है, किसी दूसरे का म्यूजिक है जो इन्होंने इस वीडियो पे बजाया है। ऐसा कंटेंट डाल के मोनेटाइजेशन होना बहुत टफ है। बहुत सारे केसेस पे हो जाता है मोनेटाइजेशन, मगर बाद में कंटेंट आईडी कॉपीराइट होने के वजह से ये कंटेंट पे कॉपीराइट भी आ सकता है, या फिर कंटेंट जो है वो फेसबुक एडवर्टाइजर फ्रेंडली भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी इस कंपोजिशन का ओनर कोई दूसरा व्यक्ति है। तो मैं इस पेज के ओनर को और बाकी देखने वाले हर एक दर्शक को ये बताऊंगा, अगर आप म्यूजिक लेके काम करते हो तो कंपोजिशन खुद का होना चाहिए। अगर गिटार पे आप प्ले करते हो तो गिटार पे खुद का कंपोजिशन क्रिएट करके डालो म्यूजिक, नहीं तो इशू हो सकता है। तो ये तो मैंने फर्स्ट वीडियो का बात किया। आप फर्स्ट वीडियो पे ही और एक रूल समझा देता हूं आप लोगों को। फेसबुक का जो इनस्ट्रीम ऐड के लिए रूल्स है वहां पे सीधा सीधा क्या कहा गया है, 1 मिनट वीडियो व्यू, यूनिक व्यू होना चाहिए, वो भी 30,000। कौन सा वीडियो पे, जो वीडियो 3 मिनट या 3 मिनट से ज्यादा का है। ये वीडियो का टाइमिंग देखिए 1 मिनट 15 सेकंड है, तो ये वीडियो बहुत छोटा होता है, इन स्ट्रीम एड से ऐसा वीडियो मोनेटाइज भी नहीं होगा। तो इस पेज के ओनर को और बाकी देखने वाले हर एक दर्शक को मेरा ये सजेशन रहेगा, आप जब भी वीडियो डालते हो वीडियो को 3 मिनट एटलीस्ट डाला करो, नहीं तो 3 मिनट से ज्यादा डाला करो, क्योंकि इस पे अगर 1 मिनट व्यू आएगा तो वो जो क्राइटेरिया है सेकंड वाला, 3 मिनट या फिर 3 मिनट के ज्यादा के वीडियो पे 1 मिनट का यूनिक व्यू आना चाहिए, वो भी कंप्लीट नहीं होगा। जबकि आपका व्यू तो कंप्लीट हो गया है 30,000, मगर वो व्यू कौन से वीडियो पे आया है वो भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो 34K व्यू आया है वो व्यू हो सकता है 1 मिनट के वीडियो पे भी आया है, तो इस वजह से वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है। बाकी और क्या इशू है थोड़ा नीचे जाके दिखाता हूं। यहां पे आप देख सकते हो 2 पिक्चर इन्होंने डाल के रखा है जो के फेसबुक एल्गोरिदम के हिसाब से रीयूज्ड कंटेंट है। आप एक ही तरीके का चीज 2 बार अपने पेज पे नहीं डाल सकते, तो ये एक दरअसल पॉलिसी वायोलेशन है। तो फेसबुक का सिस्टम के पकड़ में यह आएगा
और इसके वजह से गेट स्टार्टेड का ऑप्शन नहीं आएगा या फिर आने में डिले होगा, या फिर जब मोनेटाइजेशन पे जाएगा अंडर रिव्यू जाएगा तो अंडर रिव्यू रहेगा और मोनेटाइज नहीं होगा। तो इस पेज के ऑनर को मैं बोलूंगा एक पिक्चर जो पहले डाले हो वो रखो, सेकेंड पिक्चर डिलीट करो। अब उसके बाद थोड़ा सा और नीचे जाता हूं और देखता हूं कंटेंट पे कुछ इश्यू है कि नहीं है। तो यहां पे इमेज वाला मैंने बोल दिया, आशा करता हूं बाकी भी इमेज ऐसा रहेगा तो आप लोग सुधार कर लोगे। और ये जो है ये भी वीडियो वैसा ही है, मैंने देखा ऑलरेडी, ये भी म्यूजिक जो है किसी दूसरे कंपोजिशन का है, किसी दूसरे ओनर का कंपोजिशन किया गया म्यूजिक है, जैसे यहां पे लिख के भी रखा है स्ट्रीट डांसर 3D। तो ऐसा म्यूजिक आपको नहीं डालना है, आपका खुद का कंपोजिशन डालना है। खुद का कंपोजिशन डालोगे तो ही मोनेटाइज होगा, नहीं तो वो रीयूज्ड ही होगा। जबकि आप बोल सकते हो बजाया तो मैंने खुद, बजाया आपने खुद मगर कंपोजिशन आपका नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। और उसी के साथ यहां पर भी देख सकते हो इमेज अगर मैच होता है, सेम सेम रीयूज वाला रहता है तो डिलीट करना पड़ेगा। और इस पेज पे मैंने एक चीज फॉलो किया है, वीडियो बहुत ही कम है, तो इस पेज के ऑनर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा रेगुलर बेसिस पे वीडियो डालो 3 मिनट, नहीं तो 3 मिनट के ज्यादा, वो भी ओरिजिनल कंपोजिशन पे, तब जाके गेट नाउ का बटन आएगा। अब और एक चीज मुझे आपको समझाना है, इसके लिए मैं फिर आ जा पेज पे। ये जो 34K व्यू देखा है वो व्यू 1 मिनट के वीडियो पे भी आया है वो भी मैं सुनिश्चित नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि मैंने देखा है इस पेज के अंदर YouTube का वीडियो शेयर हुआ है, तो उस वीडियो पे अगर व्यू आएगा तो वो व्यू काउंट नहीं होगा। जबकि आपको व्यू पे तो दिखाएगा 34-40K मगर वो व्यू मोनेटाइजेशन के लिए काउंट नहीं होगा, क्योंकि वो वीडियो YouTube प्लेटफॉर्म का है, Facebook प्लेटफॉर्म का नहीं है। तो मैंने एक दो वीडियो ऐसा ऑलरेडी देख चुका हूं जो कि इस पेज पे शेयर किया गया है, और वो वीडियो का जो ओरिजिनल सोर्स है वो है YouTube इटसेल्फ। तो आप लोग YouTube का वीडियो शेयर करके जो व्यू लेते हो या जो वॉच टाइम लेते हो वो मोनेटाइजेशन के लिए काउंट नहीं होगा। मैंने देखा है कहीं पे, जहां पे मैंने देखा है YouTube का वीडियो पेज पे डाला गया था, आप पता नहीं वो कहाँ है, हाँ ये वीडियो ही पकड़ लो, ये देख सकते हो www.youtube.com, मतलब इस वीडियो पे जितना भी एंगेजमेंट आया है, जितना भी वॉच टाइम आया है, वो वॉच टाइम भले क्रिएटर स्टूडियो के परफॉर्मेंस पे शो हो मगर वो वॉच टाइम मोनेटाइजेशन के लिए काउंट नहीं होगा, क्योंकि इस वीडियो का जो प्लेटफॉर्म है वो यूट्यूब नहीं है। तो बेहतर वही होगा कि आप नेटिव वीडियो फेसबुक पेज पे अपलोड करो, बाहर का यूट्यूब का वीडियो अपलोड मत करो, नेटिवली करो वीडियो को अपलोड, जो भी आप कंपोजिशन बनाते हो, ताकि उस पे जो व्यू आए वो काउंट हो। तो मुझे दरअसल सस्पेक्ट है कि इस पेज का जो वॉच टाइम का क्राइटेरिया है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, और उसी के साथ जो भी मिस्टेक मैंने बताया है उसके ऊपर अगर इस पेज के ऑनर ने काम कर लिया तो ये पेज अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, क्योंकि इस पेज का सारे चीज ऑथेंटिक देखने के लिए है, कवर से लेके प्रोफाइल से लेके सारे चीज जो है ऑथेंटिक है, सिर्फ कंटेंट पे काम करना है, कंटेंट ओरिजिनल कंपोज करके डालना है म्यूजिक को, और उसी के साथ जो रीयूज थिंग था, जो रीयूज चीजें है उसको डिलीट करना है। और मेरा एक एक्स्ट्रा सजेशन रहेगा इस पेज के ऑनर को कि यूट्यूब प्लेटफॉर्म के वीडियो शेयर मत करो, नेटिवली वीडियो को अपलोड करो फेसबुक पे, ताकि रीच भी ज्यादा हो, एंगेजमेंट भी ज्यादा हो, और जल्द से जल्द आपको गेट नाउ का जो ऑप्शन आता है, गेट स्टार्टेड का जो ऑप्शन आता है वो जल्द से जल्द आपको मिल जाए। आशा करता हूं आज के हेल्थ चेकअप से इस वीडियो को देखने वाले हर एक दर्शक को बहुत सारे डाउट क्लियर हो गया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को दबा के लाइक कर देना, कोई भी दोस्त मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना, ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आने वाले टाइम पे सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आज के इस वीडियो पे इतना ही दोस्तों, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो, और मम्मी पापा का नाम करो दोस्तों।